सो गाइस, कुछ दिन पहले बिहार में आपका जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट आई थी PhD डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो जाहिर सी बात है, जब एक मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि इसमें आप लोग को मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जॉब लग जाने के बाद बेसिकली कौन सा काम करवाया जाता है, खास करके न्यू ऐसे स्टूडेंट होते हैं उन्हें जानने के बहुत ही एक इच्छुक होते हैं, उनके बहुत ही उत्साह होता है कि आखिर उसमें क्या काम करवाया जाएगा। सो गाइस, आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं PDF के माध्यम से आप लोग को विथ इमेज के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गया। सब्सक्राइब इसलिए करना गया कि कोई भी जॉब अपडेट विथ प्रीवियस ईयर या जो भी मेरे पास कंटेंट वगैरह अवेलेबल होता है वो मैं सारा कुछ आप लोगों के पास कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने का। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, सो ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, देन आप लोगों को एक PDF के माध्यम से बेसिकली क्या क्या काम होता है सो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। गाइस शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और मित्र के साथ जरूर, क्योंकि आप लोग उन्हें भी जानने का एक जिज्ञासा होता है, ठीक है। बाकी ये देखिए, जो ये आप लोगों का वाटर रिसोर्स PH जानते हैं कि PWD डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो सेम इसी तरीके से बोलते हैं PhD डिपार्टमेंट बिहार में, ठीक है। सो बेसिकली क्या काम होता है गाइस, इसको जो भी वाटर वगैरह का काम होता है, ठीक है, वो सारा बिहार का क्या होता है PhD डिपार्टमेंट ही संभालता है, ठीक है। और इसमें क्या मैक्सिमम सिविल इंजीनियर का ही काम होता है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का होता है। गाइस एक बात मैं बता दूं, अगर इसमें आप लोगों का जॉब लग जाएगा तो मैं बता दूं, जो आपका सैलरी है तो सैलरी से होता ही है इनकम, प्लस ऊपर वाली भी, मतलब मुझे नहीं बताना है, वहाँ से भी आप लोग का इनकम आता है, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा जॉब है गाइस, इसमें डायरेक्ट बहाली था, आप लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें नो एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी नहीं था, मैट बेस पे था, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, बस इसमें एक बार आप लोगों का जॉब लग जाए बाकी आप लोगों का किस्मत चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ यही है, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का अभी क्या होता है कि अभी कुछ ईयर में पानी की बहुत ही किल्लत आने वाली है, सो देन अभी ये सब सारा बहुत ऐसे जगह पे बनना बाकी है, ठीक है। सो कुछ बेसिकली आप लोगों को यही सब काम वगैरह मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या काम मिलेगा, देखो गाइस इसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह जहाँ चलेगा वहाँ पे आप लोगों का बिलिंग वगैरह का काम दिया जाएगा, ठीक है। जो भी मान लीजिए सपोज एट ये है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे बिलिंग का काम करना, निरीक्षण करना, मतलब निरीक्षण देखभाल करना, उसे गाइडलाइन करना, देन आपका इससे पहले आपको ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली JEE का काम तो यहाँ पे बिलिंग करना ही होता है, बाल प्लस उसका भी अलग से एक इंजीनियर होता है, सेम आप लोग का कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। मतलब जो पोस्टिंग कराया वाटर जहाँ पे है वाटर डिपार्टमेंट में ही आप लोग का बेसिकली इसका क्या फुल फॉर्म देख लीजिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मतलब आप लोग का जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब वाटर रिसोर्स वाला डिपार्टमेंट में ही आप लोग का बेसिकली जॉब लगेगा, ठीक है। और इनका क्या काम होगा कि पानी को प्योरीफाई करना, या पानी जहाँ भी पानी का किल्लत है वहाँ प्रोवाइड करना, या कंस्ट्रक्शन में जहाँ भी आपका बिल्डिंग वगैरह ही काम करता है, अगर आपको कोई मित्र है तो वहाँ भी आप लोग जान सकते हैं, या आप लोग मुझे कुछ दिन दीजिएगा मैं आप लोग कोशिश करूँगा, या PDF में तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा तो बता ही दूंगा मैं एक बेसिकली आपका एक जो ग्राउंड लेवल जो वर्क होता है उनका मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कई सारे मेरे मित्र हैं उसमें, मैं वहाँ से आप लोग को बात करूँगा, अगर वो मुझे मिल जा रहा है वहाँ का वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने का, ठीक है। सो कुछ ये है आप लोगों का नज़ारा, और हम आ पाते हैं कुछ PDF के पास, ठीक है। ये मैंने PDF अपने अकॉर्डिंग बनाया था, ठीक है। जो आपका पेयजल, मतलब जो पानी का पीने के अंदर के जो शिकायतें आजकल की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये इन सब की बात है, ठीक है। और आपका मैं बता दूँ कॉल सेंटर वगैरह, ये सारा क्या होता है कि मतलब जहाँ भी किल्लत आ रही है वो सारा सिविल के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सब करना, ठीक है ना, भूतल जलाशय की सफाई करना, ठीक है ना, भूतल में पानी के ओवरफ्लो, मतलब ये सब कुछ कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप कुछ काम होता है, ठीक है। जो ये सब चीज़ें सर्विस लाइन का रिसाव देखना, ठीक है ना, नलकूप का रिसाव देखना, ये सारे कौन जानते हैं गाइस, टेक्निकल का ही काम होता है, जो ये सब चीज़ जानते हैं, क्योंकि आप लोग फ्लूड मैकेनिक्स पढ़े होते हैं, फ्लूड बेसिकली यही सब काम होता है गाइस, ठीक है। सो कुछ ये सब है, जल टूटा हुआ, ठीक है। सो जल की गुणवत्ता, अभी आप लोग देखते भी होंगे जल नल जल की आप लोग का योजनाएं के तहत हर घर में जल की सुविधाएं, हर जल में नल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाती है, देन ये सारा उनका में जो भी खर्चा जो भी होता है वो इंजीनियर जब तक JEE साइन नहीं करेगा देन आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ यहाँ होता है, फिर उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन में देखने के लिए निरीक्षण के लिए जाते हैं, काफ़ी सारा वगैरह वगैरह काम है, ये भी कुछ है आप लोग उससे पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी के माध्यम से लिखा हूँ जिसे आप लोग देख सकते हैं। आई होप लगता है कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझा पाया हूँ, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है। और गाइस मैं बता दूँ काफ़ी सारा मैं अभी और भी वैकेंसी आने वाली है।